हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं शानू राणा। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी हब में। कल मैंने जूनियर असिस्टेंट का जो 4 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, कल वाला वो मॉर्निंग वाली शिफ्ट का मैंने जीके का क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस किए थे और लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए थे। आज जो इवनिंग वाली शिफ्ट हुई थी कल एग्ज़ाम की जूनियर असिस्टेंट की, उसके क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ और उस पर डिस्कस करते हैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस। और लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1916 में। ये क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने भी अपने जीके की जो क्लास कराता हूँ, जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उसमें भी मैं ये करवा चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी, ये मुरादाबाद को कहा जाता है, पीतल नगरी मुरादाबाद। घरेलू पर्यटक आगमन के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? यहाँ पर तीसरा स्थान है घरेलू पर्यटक आगमन के मामले में। सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है सॉफ्टवेयर के मामले में, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो आ रही हैं, जो यहाँ पर आ रही हैं अपने यहाँ भारत में, और नोएडा में भी काफ़ी कुछ हो रहा है सॉफ्टवेयर के मामले में। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये माजुली नदी द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सा द्वीप है? माजुली नदी द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर। मार्ले मिंटू सुधार कब हुआ था? 1909 में। ये भी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ था क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब हुई थी? ये भी मैं कई बार करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। ये 1931 में हुई थी और इसकी डेट नहीं पूछी थी, सिर्फ ये सन पूछी थी, तो इसकी डेट होती 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? जो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है, जो किस देश के साथ बनती है? ये बांग्लादेश के साथ बनती है। ये भी मैं करवा चुका हूँ। और प्रायद्वीप भारत लगता है, जो प्रायद्वीप भारत पूछा है वो कहाँ से कहाँ, वो किस में लगता है? ये हिंद महासागर में लगता है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। संसद राज्य सूची पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? ये अनुच्छेद पूछा था, संसद किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है? अनुच्छेद 249 के तहत। तो ये मैंने सूची अभी आप लोगों को करवाई हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में निर्णायक मत किसका माना जाता है? जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, राज्यसभा लोकसभा की, तो उसमें जो निर्णायक मत होता है, जो लास्ट वाला डिसीजन, वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है, लोकसभा स्पीकर का। भारत में संसदीय समिति का प्रचलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1993 में। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। कौन सा है? इंदौर, MP में। GST किस वर्ष शुरू हुआ था? ये हुआ था 2017 में शुरू हुआ था, सबसे पहले असम में लागू किया गया था। और GST मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी GST के घटक पूछे थे, तो 4 घटक होते हैं GST के। शरद ऋतु में दिन और रात कब बराबर होते हैं? ये 23 सितंबर को बराबर होते हैं, शरद ऋतु में दिन और रात। ग्लोबल इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 52 है। कितना स्थान है भारत का? 52 है ग्लोबल इंडेक्स 2019 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार वीर चक्र किसे दिया गया? जब भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है, ये किसको दिया गया? अभिनंदन वर्धमान को। किसको दिया गया? अभिनंदन वर्धमान को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा बाजार मसाला बाजार पूछा है यहाँ पर, एशिया का सबसे बड़ा, ये दिल्ली में लगता है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार। अगला क्वेश्चन है, जूट मिल की स्थापना भारत में कब हुई थी? ये हुई थी 1859 में। कब हुई थी? 1859 में जूट मिल की स्थापना हुई थी। 66वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट मूवी इसमें पूछी थी, हेल्लारो को मिली थी। अब यहाँ पर 66वां पूछा था या फिर 66वां या 65वां पूछा था, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। मैं उम्मीद है कि यहाँ पर 66वां ही पूछा गया था, जितने बच्चों ने मुझे बताया है कि 66 बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछा था, ये मिला था हेल्लारो को। मिला था किसको? मिला हेल्लारो को। भारतीय क्रिकेट टीम की वर्दी में किस कंपनी का चिन्ह है? ये है बीजू का। किसका है? बीजू का। और पेटीएम में कंफ्यूज थे काफ़ी लोग कि पेटीएम है या बीजू है, वे बीजू ही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स का आयोजन 2019 में कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अगर भारत में पूछा गया कि जो भारत में पुलिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो पुलिस का सम्मेलन हुआ था, तो वो नई दिल्ली में हुआ था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन था। कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है कॉफ़ी के उत्पादन में। भारत चाय का सबसे बड़ा आयातक देश, भारत का मतलब भारत में चाय का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? ब्रिटेन है। उत्तर प्रदेश की सिरेमिक सिटी, ये सिरेमिक सिटी जो कि अभी कुछ पता नहीं चला इसके बारे में, तो खुर्जा, जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर सही होगा, खुर्जा सिरेमिक सिटी। अगला क्वेश्चन है, जो भी राइट आंसर हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
उत्तर प्रदेश में लाल रंग के बर्तन बनाए जाते हैं, ये कहाँ बनाए जाते हैं? मेरठ में। ये लाल रंग का पेंट किया जाता है, ये पूछा था कि लाल रंग की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ये मेरठ में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय, उत्तर प्रदेश का प्रथम जिला जो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है वो पहला जिला कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर आय है? ये है गौतम बुद्ध नगर में। ये गौतम बुद्ध नगर जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है वहीं पर ही है। और एक क्वेश्चन ये था कि 9001-2008 मानक है, ये गुणवत्ता मानक क्या है? गुणवत्ता मानक है। तंग घाटी कहाँ स्थित है? ये है थरलुंग, यरलुंग, तसांगपो। कहाँ पर है? यरलुंग, तसांगपो। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। और जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आप लोगों को खुद ही एनालिसिस कर मिल रहा होगा कि कितने क्वेश्चंस मेरे करवाए हुए हैं, कितने नहीं करवाए हुए हैं। करंट के कुछ हो सकता है एक दो क्वेश्चन छूट रहे हों, लेकिन जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब जो मैं डिस्कस करता हूँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनटीपीसी के, डीआरडीओ के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो, और मैं उनके बेसिक फैक्ट भी बताता हुआ चलता हूँ। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखा करिए वो सेशन, ज़रूर देखा करिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हुए थे आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए। जय हिंद।